हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड क्लास सेवन्थ का। ये सेकंड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। कारी बिकम फॉन्ड ऑफ प्राइप ऑफ राइप बनानास। कारी को पके हुए केलों का शौक हो जाता है। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू डिसकम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड। वह अपनी सहायता स्वयं करने में विश्वास करता है, अपने मित्रों की परेशानी के लिए काफ़ी है। विथ क्वाइट डिग्निटी केयर कारी एक्सेप्ट द चिडिंग ही नोज ही डिजर्व्स। शांत गरिमा के साथ कारी डांट फटकार को स्वीकार कर लेता है। वह जानता है कि वह उसके योग्य नहीं है। कारी वॉज लाइक अ बेबी। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। कारी एक छोटे बच्चे की तरह है। उसे अच्छा बनाने के लिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना ही था। यदि आप उसे यह नहीं बताते जब वह शरारती था, तो वह पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा शरारती था। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। उदाहरण के तौर पर एक दिन उसे खाने के लिए कुछ केले दिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। बहुत जल्दी उसमें केले के प्रति बड़ा प्यार पनप गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। हम मेज पर फलों की बड़ी प्लेट की डाइनिंग रूम में खिड़की के निकट रखते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस। एक दिन उस मेज पर रखे सारे केले गायब हो गए और मेरे परिवार ने घर में रखे सारे के सारे फलों को खाने का आरोप नौकरों पर लगा दिया। फॉर आई वॉज श्योर दैट दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। कुछ दिनों बाद फल फिर गायब हो गए। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पवेलियन। दिस सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड इन ट्विंग। यह मैं सब चीज़ जानता था। इस बार मुझ पर आरोप लगाया और मैं जानता था कि यह सब मैंने नहीं किया था। इस बात से मुझे अपने माता पिता और नौकरों पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि सारे फल उन्हीं ने लिए थे। अगली दफ़ा फल गायब हुए, मैंने एक केले के को कारी के पवेलियन में कुचला पाया। इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने कभी भी फलों को वहाँ नहीं देखा था। जैसा आप जानते हैं कि कारी हमेशा टहनियों का भोजन करता था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माय पेरेंट्स परमिशन अ लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक अ स्नेक सडनली लाइक अ स्नेक। अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा, आश्चर्य कर रहा था कि मुझे मेज से कुछ फल अपने माता पिता की आज्ञा के बिना ले लेने चाहिए। एक लंबी काली चीज़ बहुत कुछ एक सांप की तरह की सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानास। अचानक खिड़की के बीच से आई और सारे केलों के साथ ओझल हो गई। आई वॉज मच फ्रिटेंट बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी
टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट। मैं बहुत अधिक डर गया था और मैंने सोचा कि यह अवश्य ही कोई भयानक सांप होगा जो चुपके से अंदर घुसकर फल ले जाता है। आई क्रीप्ड आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस। मैं धीरे धीरे रेंगता हुआ सा कमरे से बाहर निकला और अपने दिल में डर को लिए घर से बाहर भागा। मैंने मन में पूरा विश्वास के लिया यह कि वह सांप घर में लौटकर आएगा ज़रूर, सारे फल खा लेगा और हम सबको जान से भी मार डालेगा। As I went out, I saw Kari's bag disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने कारी की पीठ पवेलियन की दिशा में गायब होते देखी और मैं इतना डर गया था कि अपने को प्रसन्न करने के लिए मैं उसका साथ चाहता था। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. कि मैं अपने प्रसन्नता करने के लिए मैं उसके साथ रहना चाहता था, मैं उसके पीछे पवेलियन की तरफ दौड़ा और मैंने वहाँ पर उसे केले खाते हुए देखा। आई स्टूड स्टिल द एस्टोनिशमेंट द बनानास वर लाइंग स्ट्रीवन ऑल अराउंड हिम। मैं हैरानी से स्थिर खड़ा था, केले उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। द बनानास वर लाइंग स्ट्रिंग ऑल अराउंड हिम। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक and reached for one far away from where he was standing. केले उसने अपने सूंड बाहर की को फैलाई और उस केले की ओर पहुँचाई जो उसने बहुत दूर था जहाँ पर वह खड़ा हुआ था। He stretched out his trunk and reached for far away from where he standing. That instant trunk looked like a black snake and I realized that Kari was the thief. उस पल सूंड एक गले सांप की तरह लग रही थी और मैं समझ गया कि Kari ही चोर था। I want him pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari and not I that had eaten all the fruits these many weeks. उस पल सूंड एक काले सांप की तरह लग रही थी, मैं समझ गया कि कारी ही चोर था। मैं उसके पास गया, कान से पकड़ उसे एक बाहन खींचा और खुशी से अपने माता पिता के पास ले गया। दैट इट वॉज कारी एंड नॉट आई हैड ईटन ऑल द फ्रूट्स दीज मैनी वीक्स देन आई स्कॉल्डेड him for elephants understand words as well as children. फिर मैंने कारी को डपटा क्योंकि हाथी बच्चों की भांति ही शब्दों को समझते हैं। For elephant understands words as well as children and I said to him, next day I see you stealing fruits you will be wiped. He knew that we were all angry with him. Even the servants, his pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. And from then on, if anybody gave him any fruit, he always squealed as if he thanked them. अगली बार तुम्हें फलों को चुराते देखा तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। यह वह समझ गया कि हम सबको उस पर गुस्सा था, यहाँ तक कि नौकर भी गुस्से में थे। उसके गर्व को इतनी चोट पहुंची थी, उसने फिर कभी भी डाइनिंग टेबल पर कोई वस्तु नहीं चुराई और उसके पश्चात आगे के लिए यदि कोई उस फल को देता तो वह चिल्लाता जैसे कि उसका धन्यवाद कर रहा हो। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न He will be remember it may you back to know your own. गलती करने पर एक हाथी की सज़ा पाने की इच्छुक होती है,
परंतु यदि आप उस कारण से सजा देते हैं तो वह इसे याद रखेगा और आपके साथ भी व्यवहार करेगा। तो गाइज ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं जल्द देकर आऊँगा। तब तक कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक लास्ट टॉपिक और है वो मैं अभी आप लोगों को करवा दूँगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है चैप्टर्स रिगार्डिंग तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।